अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जो बहन भाई हमारे दुख तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ़ को दूर करे, आमीन। सुबह की शुरुआत हो गई है हमारी, नाश्ता वगैरह हो गया है और मैं यहाँ कर बैठी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। सुबह के वक्त थोड़ा ठंडा लगता है, बहुत तेज़ गर्मी, तो मेरे काम में बाहर बैठती हूँ, तो यहाँ आकर बैठी हूँ थोड़ी देर। बच्चे पढ़ना है, छुट्टियाँ लग गई हैं इनकी दशहरे की, क्योंकि कल दशहरा है, तो कल संडे की छुट्टी थी, आज मंडे की छुट्टी है इनकी, कल ट्यूसडे की भी छुट्टी रहेगी, तो ये लोग पढ़ना है क्योंकि इन्हें बहुत सारा होमवर्क मिला है छुट्टियों का। और सानू जी, और कैसा लग रहा है? छुट्टी मिल गई है तो बुरा भी लग रहा है, होमवर्क बढ़ गया। होमवर्क बढ़ गया करो और क्या, पूरे दिन फ्री रहना है अब। बाहर नहीं जाना, जाएंगे चले भाई। हमारे सामने तो बहुत खुश हो जाता है छुट्टी मिल जाती है ना इसे, क्योंकि ये बहाने ढूंढता रहता है छुट्टी के लिए, अब इनको छुट्टी मिल गई है लेकिन साथ में होमवर्क भी है बहुत सारा। धूप बहुत तेज है और ये देखें कमल निकाल ली हूँ, तो ये दो कंबल निकालनी है और बाकी बिस्तर को भी मैं अभी सुखाऊंगी और पेटी में से भी हम दो एक कंबल निकालेंगे धोने के लिए। किटू भी पड़ रही है, और मैंने बनाना था ये पालक। पालक को साफ करके रखा है, कुछ को काट ली, कुछ को नहीं काटी हूँ। पालक काट लिए हमने धोकर, आलू टमाटर के साथ बनाएंगे। और ये मसाले हम इस तरह से बनाते हैं सादे मसालों से, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन बारीक कटा हुआ और नमक और ऑयल, बस इतनी चीज़ों से बना। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखिए मेरे प्लांट बड़े अच्छे जा रहे हैं जबरदस्त। ये मेरा मनी प्लांट, कपड़े हमारे धुल गए, आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं मैंने, कुछ खोल वगैरह भी निकाल लिए हैं, कंबल भी धो लिए हैं, तीन कंबल धोए हैं और धोना ही पड़ता है, खैर बारिश के बाद तो रखे रखे वैसे भी पैक रखे रहते हैं पेटी में, इसमें लाने लगती है और बस ठंड भी हल्की हल्की लगने लगी है। धोने वालों को धोया है और काफ़ी बिस्तर को हमने धूप भी लगाया है, जो इस्तेमाल नहीं होते उनमें धूप लगाना तो ज़रूरी है। ये देखें दुश्मन दुश्मन साथ बैठे हैं, लड़ो लड़ो अब लड़ो एक घंटे से परेशान कर रही दोनों, और साथ भी बैठेंगे, साथ देखेंगे भी मोबाइल और लड़ेंगे भी। इधर देखो किट्टू भैया, चालू रखो ना, क्या चालू रखो क्या? अभी लड़ा थे ना, कौन तुम और कौन? घी गरम हो गया है तो हम सिवैये डाल देते हैं इसमें, इनको भूनेंगे। और हम बना रहे हैं, ये सिवैये हैं और ये दूध है और ये कस्टर्ड पाउडर, इसको पानी में हमने घोल लिया है, डेढ़ दो चम्मच के करीब है, और ये सब्जा है, शक्कर है, बादाम की कतरन है और इलायची है। तो इस तरह से भी हम सिवैये बनाते हैं, दूध की सिवैये हम कई तरह से बनाते हैं,
कस्टर्ड पाउडर डालकर भी बनाते हैं, कभी बिना कस्टर्ड पाउडर के भी बनाते हैं। ये देखिए सेवैयों को हमने भून लिया है और अब इसमें इलायची डाल देती हूँ। इलायची भी भुना जाएगी और अब इसमें हम दूध डाल देंगे। गल जाएगा और अब हम सेवैयों को थोड़ा गलने देंगे और अब सेवैयें गल जाएंगी, उसके बाद हम शक्कर डालेंगे और फिर कस्टर्ड डाल देंगे। तो अब ये पकेगा, इसको मध्यम आंच में रख देती हूँ। शक्कर डाल दिए हैं, शक्कर भी मेल्ट हो गई है तो इसमें हम कस्टर्ड डाल देते हैं। अभी जम गया, इतनी देर से रखा था ना, इसको हिलाकर डालेंगे। ये देखें थोड़ा थिक होने लगा है और अब ये सेवैयें तैयार हैं हमारे। माशाल्लाह देखें ये कितना थिक हो गया है और ठंडा होकर और भी हो जाएगा। अब हम खाना खाने लगे हैं। सानू तो दावत में गया था और ये देखें माशाल्लाह एक नंबर, बहुत टेस्टी बना है। आ जाएं दोस्तों, ये खाना हो रहा है हमारा। आज तो सानू भैया दावत में गया है, काका भी हैं दावत में।